रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ही देशों का अड़ियल मिजाज देखने को मिला है। पश्चिमी देशों के दम पर लड़ रहा यूक्रेन ना तो खुद हार मान रहा है, ना ही रूस जैसा ताकतवर देश छोटे से यूक्रेन पर जीत दर्ज कर पा रहा है। ऐसे में दोनों ही देशों की सेनाओं और उनकी जनता को सबसे ज्यादा इस युद्ध का दंश झेलना पड़ रहा है। रूसी हमलों से त्रस्त यूक्रेन ने अब भीषण पलटवार करना शुरू कर दिया है। अमेरिका से मिली खतरनाक मिसाइलों के बूते यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर हावी होने की मंशा जताई है। यूक्रेन ने बीते 23 जून को रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के शहर पर अमेरिका की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से हवाई बौछार की, जिससे रूस तक में खलबली मच गई। बताया जाता है कि 5 मिसाइलों में से 4 को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नेस्तोनाबूद कर दिया, मगर 5वीं मिसाइल ने समुद्र किनारे छुट्टी मना रहे लोगों के साथ खूनी खेल खेला। इस मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो वहीं 150 से ज्यादा लोग इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गए। यूक्रेन के इस जबरदस्त हमले से रूस बौखलाया हुआ है। रूस ने यूक्रेन को जल्द इस हमले का जवाब देने की कसम खाई है। रूस ने इस हमले के पीछे अमेरिका का हाथ बताते हुए दोषी करार दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अमेरिका की ओर से सप्लाई की गई मिसाइलों का यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं इस हमले से भड़के पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेताया कि यूक्रेन की ओर से क्राइमिया के शहर पर मिसाइल हमले के बाद अमेरिका भीषण आग में जल जाएगा। अमेरिका यूक्रेन को मिसाइलों की सप्लाई करता है और रूस पर हमला करने में यूक्रेन की मदद करता है। अमेरिका की हर साजिश का पर्दाफाश हो गया है। अमेरिका और यूक्रेन दोनों देश नरक में जलेंगे। जो कुछ भी क्राइमिया के शहर में हुआ वो सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि हमारे लोगों के खिलाफ एक आतंकी हमला था, जो एक खास दिन छुट्टी देकर किया गया था। मालूम हो कि ये पहला मौका नहीं है जब रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने अमेरिका पर हमला बोला है। इससे पहले उन्होंने अमेरिका को हिलाने के लिए कहा था। दरअसल रूस ने अपनी परमाणु मारक क्षमता को सीमित करने की बातचीत को खारिज किया था। जब तक अमेरिका यूक्रेन के लिए सहायता वापस नहीं लेता, तब तक परमाणु हथियार और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या में कोई सीमा नहीं हो सकती। ऐसा दावा है कि यूक्रेन के हमले के बाद से रूसी राष्ट्रपति पुतिन सेना के साथ लगातार संपर्क में है। खास बात है कि हमले को लेकर ना तो यूक्रेन और ना ही अमेरिका की ओर से कोई टिप्पणी सामने आई है। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की अटैकमस मिसाइलों की सप्लाई शुरू